Hello Amit sir, welcome in Teletarka. Today we are here to know Amit Sinha as the person. So please tell us how your journey started in this industry. In this industry, first of all, I am very thankful to Teletarka because I have given last time an interview to Teletarka, I guess more than 1 year. So again, my fans are going to see me this interview because these days my one show this. Again, this show Geet is, you know, retelecasting in this Star Power. What I can say, बचपन से ही मैं काफी शरारती रहा हूँ. मैंने अपने स्कूल लेवल में, अपने नर्सरी लेवल पे ही अपने काफी सारे co-curricular activities, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे किए हैं, जिसमें मैंने फैंसी ड्रेस शो, मोनो एक्टिंग, माइम, स्किट, प्ले, ड्रामा, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांसेस किए हैं और काफी सारे प्राइजेस जीते हैं. अपने स्कूल लेवल पे असेंबली में मैं प्रेयर कराया करता था, प्लेज कराया करता था. तो शुरू से ही मेरा शौक रहा था स्टेज पे काम करना. लेकिन इसके बाद मैंने काफ़ी सारे कंटिन्यू अपने स्कूल लेवल से लेके अपने यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, सब में प्राइजेस लिए हैं. बट मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कभी आना होगा, बिकॉज एक छोटी फैमिली से था, छोटे शहर से था, छोटा फैमिली, और मेरे फादर की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी जब मैं काफ़ी छोटा था, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे मुंबई कभी आना होगा. बट 2001 में मुझे लगा कि शायद मुझे मुंबई जाना चाहिए, तो मैंने अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे एक बार बॉम्बे जाने दीजिए. तो फाइनली आई केम टू मुंबई, और उस वक्त बॉम्बे में जब मैं आया था तो उससे पहले मेरे पास कुछ 7-8 ऐसे लोग थे जो मेरे दोस्त थे जो बॉम्बे में अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे थे. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब बॉम्बे आया तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की और मुझे अपना खुद का स्ट्रगल करना पड़ा. बट इसी तरह से हुआ कि 2001 में लिटरली ऐसा हुआ कि मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे एक बार मौका दीजिए. माँ ने बोला, बेटा तुम्हारे पापा नहीं हैं, अब तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो तो तुम बैंक का फॉर्म भरो, रेलवेज के फॉर्म भरो. और लेकिन वही था कि मेरा शौक एक्टिंग में ही था. उस दौरान मैं काफ़ी थिएटर कर रहा था, भातखंडे लखनऊ में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ से डांस सीख रहा था. तो इस तरह से 2001 में फर्स्ट टाइम मुंबई आना पड़ा, आने का मन किया. हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री? I have been industry for more than 10 years, 11 years you can say, because बीच में 2 साल, 26 जुलाई को जब 2005 को जब बाढ़ आई थी तो मैं अंधेरी वेस्ट में था, अंधेरी वेस्ट में इंडियन ऑयल नगर के पास, ये नगर के पास. तो वहाँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे मेरा फ्लैट था बिल्डिंग में, तो स्ट्रगल चल रहे थे, स्ट्रगल का दिन तो खैर अभी भी चल रहा है. तो वो था कि उस वक्त मेरे घर में 5.5 फीट पानी आ गया, तो थोड़ी बहुत जो मैंने गृहस्थी 4-5 साल की बसाई थी, तो लिटरली मेरे घर में पूरा पानी आ गया और पूरा इलाका, पूरा मुंबई डूब चुका था. How many projects have you done? In this 10 years experience of my filmy career, I have done around 12 feature film and one Hollywood film. I'm very happy. I have done 11 very very different types of challenging role. I have done one Hollywood film. I have done so many natak and nataki in all over India. On 2007, my one play has been seen by Amitabh Bachchan ji himself called Andhayug. ये अंधायुग हमने एक नाटक जो किया था, उस वक्त अमित जी को तो जेड सिक्योरिटी मिली है, तो हमारे जब वो हमारे थिएटर में हमारा प्ले देखने आए तो हमारे थिएटर को लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया, कमांडोज जगह जगह लगे थे. तो बहुत अच्छा एक वाक्य था, बिकॉज अमित जी को पहली बार आमने सामने देखा और जो उनका एक और जो मेरे बहुत बड़े शुरू से आदर्श रहे हैं. इसके बाद मनीषा के का रोल तो काफ़ी आप लोग देखते रहते हैं, जो गीत हुई सबसे पढ़ाई में किया मैंने, एक अंधे का रोल मैंने किया, अंधा देखे लाइक बॉलीवुड में, इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने उस लेवल का किया जो मैं भी अपने दर्शकों को, अपने फैंस को दिखाऊंगा अभी करके, परफॉर्म करके. एक भीड़े का, एक मिर्गी के दौरे का पेशेंट, वही मैंने हकीकत शो में जिसमें मुझे दौरे पड़ते हैं मिर्गी के. If you wouldn't be an actor, then what would you be? If I wouldn't be an actor, then maybe I have joined an Indian army because I am the son of an army officer. मेरे जिंदगी के 17-18 साल फौज में बीते और काफी अच्छा समय रहा, बिकॉज फौज का जो डिसिप्लिन होता है, मेरे पिताजी, हालांकि मैं
थोड़ा सा अनलकी रहा बिकॉज मेरी काफी मैं कुछ 10 साल का था, 9-10 साल का, तब मेरे पापा की डेथ हुई थी. लेकिन जब तक पापा थे तो उनके दौरान मैंने उनसे काफी सारी चीजें सीखी. उन्होंने बोला मैं एक हिंदू हूँ वैसे, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटीज को, हर रिलीजन को, हर कास्ट को एक ही मानता हूँ और मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ. आज इंडस्ट्री में हमारे सेट पर मैं जिस भी सेट में काम करता हूँ, तो चाहे वो स्पॉट बॉय है, जो डायरेक्टर, चाहे प्रोड्यूसर, चाहे क्रिएटिव, सबको मैं बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ सेट पर, जो कि मेरे ब्लड में भी है. तो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं आर्मी में होता, डिफेंस में होता शायद. Then, according to you, what's your best performance till now? According to me, I can say the performance of Ashtavakra, because I've done the character of Saint Ashtavakra, whose body is deformed in 8 different parts. That was very different and very painful, I can say, because उसमें जो उसका शरीर था वो 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था और बहुत ही मुश्किल कर पाना था उसका जो body language, जो मैं भी करके दिखाऊंगा. तो वो मेरे लिए काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने काफी सारे चैलेंजिंग रोल किए. मैं अपने काफी सारे अलग अलग लुक के फोटोग्राफ्स अक्सर फेसबुक में डालता हूँ. और आज मैं इस इंटरव्यू के दौरान अपने कुछ फैंस को, अक्सर मेरे फैंस मुझसे पूछते हैं कि अमित जी क्या आप अभी परसों ही मुझे, कल शाम को किसी फ्रेंड ने मुझे, मेरे फैन ने मुझे पूछा, अमित जी क्या आप रियल मनीषा हो कि क्या आपकी फेक आईडी है? तो मैंने बोला कि देखिए, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन. और मैंने बोला कि देखिए, कोई भी बंदा जिसका आईडी होगा वो कभी भी अपने फेक आईडी को भी फेक नहीं बोलेगा. अगर मैं फेक भी हूँ तो मैं फेक नहीं बोलूंगा, मैं इसको रियल ही बोलूंगा. तो मैंने बोला नहीं, मैं रियल बंदा हूँ, मैं ही अमित सिन्हा हूँ. जो गीत हुई सबसे पढ़ाई में कुछ 7-8 महीने मनीषा गे का जो रोल मैंने किया, और आज आप लोग मेरा चेहरा भी रिसेंट देख रहे हैं, पिछले 2 साल से शायद मैं 1-1.5 साल से नहीं दिखा आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान. तो और हाँ, अगर जो मेरे फैंस अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, मैं फेसबुक में काफी अपडेशन करता रहता हूँ. तो मेरा प्रोफाइल पिक्चर अभी एक पिंक कलर का टी शर्ट पहना है, जिसमें मैंने ब्लू कलर का एक स्टोल लगा रखा है गले में. और मेरे कवर पिक्चर में मैंने एक साईं बाबा की, एक बजरंगबली की, पंचमुखी बजरंगबली की और एक बालाजी की फोटो लगा रखी कवर पेज में. वो मेरा रियल आईडी है, फेसबुक आईडी है. तो ये अश्वक का काफी परफॉर्मेंस टफ रहा. Who is your inspiration in this industry? In this industry, my inspiration is अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी एंड मनोज वाजपेयी जी, आशुतोष राणा जी, पंकज कपूर जी, नसीर साहब, ओमपुरी साहब. देखिए मैं अभी लकली देखिए, आज मैं आप लोग देख भी रहे हैं, मैं अभी इन दिनों ओमपुरी साहब को पढ़ रहा हूँ. मैंने माता रानी के आशीर्वाद से 10-11 साल के स्ट्रगल में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया. तो अभी ओमपुरी साहब को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन्हें कैसे कैसे संघर्ष किए अपने स्ट्रगल के दौरान. व्हाट इज योर ड्रीम कैरेक्टर? ड्रीम कैरेक्टर, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल. Producers have full trust on me because media professional field में producers पैसा तभी लगाते हैं जब उनको वो return मिले. तो producer को पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो अमित कर पाएगा. अभी कुछ एक reality shows की बात चल रही है, Endemol में भी कुछ एक चीज़ें होने वाली हैं जो मेरे, शायद अगर touchwood चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे fans shocked होने वाले हैं, क्योंकि कुछ खतरनाक तरीके से मैं दोबारा industry में कुछ अलग चीज़ें करने वाला हूँ. तो ड्रीम रोल मैं क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने अब तक 10 साल के करियर में 11 तरीकों के चैलेंजिंग रोल किए, बट मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे चैलेंजिंग रोल मिले जिससे मैं इसको अच्छे से करूं और दर्शक मुझे उस तरह से याद करें. आज आप लोग आए दली तड़का से और आप लोग अभी भी मेरे फैंस जो हैं वो स्टार प्रभा में जो गीत हुई सबसे पराई, जो मनीषा का जो हॉट बॉय जो देख रहे हैं आप लोग, उसको आप याद भी कर रहे हैं. तो वो कैरेक्टर मैंने किया तो आप लोगों को पसंद आया, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इस तरह के रोल, चैलेंजिंग रोल मुझे दिए जाए, मैं उसको अच्छे से अच्छा करूं. Tell your likes and dislikes as Amit Sinha, the person. Likes and dislikes. Okay, first of all, my likes. मेरी अच्छाइयां कुछ ये हैं कि मैं बहुत जल्दी सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, बहुत इमोशनल. कहते हैं ना, एक छोटी सी कहावत है कि जब कोई अंकुरित फूट के, जब मिट्टी से कुछ पौधा बन रहा होता है, अंकुर फूट रहा होता है, तो उस वक्त अगर उस अंकुर को, उस बीज को प्रॉपर अगर सही समय पे, अगर सही मिट्टी रखी जाए उस दाने के ऊपर, उस बीज के ऊपर, और सही रूप से पानी मिले, उसको धूप मिले, तो पौधा खिल के एक समय बहुत अच्छा एक ट्री, एक पेड़ बनता है, एक झाड़ बनता है. तो वो उस समय उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस बीज की, उस अंकुर. तो मैं थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि पापा को मैंने बहुत कम उम्र में खो दिया, तो मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा. मेरी माँ मुझसे 3 साल बड़ी, मुझसे मेरी सिस्टर हैं, मेरी मदर बहुत यंग एज में विडो हो गई. तो उसका दुख ये रहा कि मैंने कम उम्र में बहुत सारे स्ट्रगल्स लाइफ देखे. तो हम लोग बहुत इमोशनल है, मेरी मदर, मेरे सिस्टर के प्रति मैं बहुत प्यार करता हूँ. और डिसलाइक्स ये हैं कि अगर मैं सीधा साधा बोला हूँ तो कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, प्रोफेशनली, इमोशनली,
मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वर्क कर जाता हूँ लेकिन मैं कम पैसे में बोलता हूँ ठीक है ये बजट है कर ले रहे हैं। वो बोलता है जी ये बजट लिफाफे में, तो मैंने कहा चलो डन करते हैं। तो अच्छाइयाँ यही बुराइयाँ हैं कि थोड़ा सा गुस्सा मुझे आता नहीं है, लेकिन कभी कभी शायद मुझे लगता है गुस्सा आएगा तो शायद बहुत गुस्सा आएगा शायद, लेकिन गुस्सा पीना मैंने सीख लिया है, हमेशा खुश रहता हूँ, मेहनती हूँ। तो अच्छाइयाँ भी यही हैं, बुराइयाँ भी, बुराइयाँ मुझे लगता नहीं कोई बुराइयाँ हैं, गॉड फेयरिंग हो। और फिलहाल मुझे और बुराइयाँ और कुछ नहीं है, बुराइयाँ कोई बताता भी नहीं कैंपे, अच्छा ही अच्छा है सब कुछ। और अभी आपके एनी मैसेज फॉर योर फैंस? फैंस ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मेरे फैंस मेरे शोज को मेरी फिल्मों को रेगुलर देखें। मैं अभी दो फीचर फिल्में कर रहा हूँ लेकिन अभी बताना कुछ जल्दबाजी होगी बिकॉज अभी मैंने कॉन्टैक्ट नहीं साइन किया। उस फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल हैं, जिस जब वो फिल्म रिलीज होगी तो शायद उस फ्राइडे को मैं कहीं और से कहीं और पहुँच जाऊँगा। शौक तो है ऑब्वियसली कि मैं बड़े पर्दे पर और अच्छा काम करना चाहता हूँ। 10-11 साल मैंने दिए, मैंने पूरे भारत में काफ़ी नाटक वाटक ही किए और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। और मैं सच में टचवुड ये माता रानी की माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे फैंस का प्यार है कि मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। फैंस को मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे लिए प्रे करते रहिए, आप लोगों के ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए, मेरे शोज देखिए। गीत हुई सबसे बड़ा ही मनीषा के शो, उसके परफॉर्मेंस को आप लोगों ने पसंद ही किया है। तो बस ये कि आप लोगों की दुआओं का मैं भूखा हूँ, उसी से मैं कंटिन्यू आगे जाऊँगा। आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। हाँ अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ ग्लैमर इंडस्ट्री वैसी नहीं है जैसी बाहर दिखती है, असलियत कुछ और है। मैंने 10-11 साल दिए हैं इस मेरे ब्लैकबेरी फ़ोन में 4000 लोग के सेल नंबर हैं, पूरी टीवी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर हैं। एक एक नंबर के लिए मैं रात को 12-12 बजे तक मैं फिल्म सिटी में कहाँ कहाँ बैठा हूँ। काफ़ी लोग इंडस्ट्री के जानते हैं मुझको, क्या सन की अक्रमित सिन्हा के अनुभव कहने थे। और सच में तो ये सब चीज़ों में फैंस को मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, एज एन एक्टर आना चाहते हैं मेल फीमेल, तो वो लोग पूरी तैयारी से हैं, वो थिएटर करें, किताबों को अच्छे अच्छे लिटरेचर को पढ़ें, साहित्य को पढ़ें, अपने आप को जानें। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट में। आज आप लोग बॉबी पोर्टर से हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू टीटी। अरे डरता हूँ कि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लोगों को नहीं पता, लेकिन हम इस बंद कमरे में एसी के कमरे में कॉफ़ी पीते हुए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आप कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से कवरेजेस करते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ शूटिंग करने पर जाते हैं। मैंने जैसलमेर में शूट किया था एक फिल्म कालो कुछ 2.5 साल पहले, वहाँ तकरीबन 50-55 डिग्री सेल्सियस में, मतलब आदमी को मिर्गी आ जाए, आदमी बेहोश फेंट हो जाए, उस टेम्परेचर में हमने मई जून में शूट किया हम लोगों ने। फैंस को मैं यही कहूँगा मेहनत करें, खुश रहें, प्रे करें मेरे लिए। इंडस्ट्री में ना तो पूरी तैयारी के साथ आए, इसलिए नहीं कि ग्लैमर यहाँ लोग होते हैं, यहाँ बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत नाम है, बहुत शोहरत है, ना उसके पीछे सच्चाई क्या है और आपके खुद की तैयारी क्या है। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे, मुझे मैं नाम नहीं लूँगा, कई लोग आकर उन्होंने कई लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी, कई लोगों ने लाइन चेंज कर दी, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कई लोगों ने बहुत गलत धंधे शुरू कर दिए। मजबूरी रोटी पेट की जो भूख होती है, मैं खुद लखनऊ शहर से हूँ, ओरिजिनली बिहार पटना से हूँ, बट मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं चौल्स में रहा हूँ, मैंने कचरे से सब्जियाँ उठा के सब्जियाँ खाई हैं, बहुत बहुत बुरे वक्त से मैं गुजरा हूँ। लेकिन सिर्फ अपने ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, माता रानी पे विश्वास था, मेरे पापा की आज आत्मा मेरे साथ, मेरी माँ की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का प्यार, इसीलिए मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरा शेपअप मेरा करियर जो ले रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप लोगों की दुआएं जरूर चाहिए, मनीषा तो हमेशा रहेगी लेकिन अमित सिन्हा को भी आप लोगों का प्यार हमेशा चाहिए। थैंक यू सो मच अमित सर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टन टू मनीषा मैम, टू टेली तड़का, आप लोग आए, आप लोगों ने कीमती समय दिया मुझे, अपने दर्शकों से मुखातिब होने का, अपने विचार को दर्शकों तक पहुंचाने का मौका दिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।